लेकिन सिर्फ और सिर्फ विकास मित्रों का विकास हुआ है। एक वक्त था कि बिहार कभी देश का हार हुआ करता था और वही हार आज हार में बदल गया। हम जैसे युवा ये चाहते हैं सर कि सबसे पहले बेरोजगारी दूर किया जाए, सबसे बड़ी बात है, और शिक्षा जो प्रणाली गड़बड़ा गई है उसको सही किया जाए। बिहार के तमाम युवाओं को यह ध्यान देना कि देखियो, जन सुराज पार्टी हो, बीजेपी हो, जेडीयू आर जेडी हो, हर कोई नहीं पड़ता, काम कौन कर रहा है बस ये देखना है। विकास कौन कर रहा है। विकास अगर आप पूछे मुझसे, अगर आप पूछे कि विकास क्या हुआ है बिहार में, तो मैं कहूँगा विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विकास मित्रों का विकास हुआ है और किसी जनता का विकास नहीं हुआ है। जिनके जिम्मा विकास करने का दिया गया था उन्हीं का विकास हुआ है, उनके बाल बच्चों का विकास हुआ है और किसी का नहीं। आज अगर किसी डॉक्टर का तबीयत खराब हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे। सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देख रहे हैं जर्जर हो गई है, तो हर तरीके से बिहार को ढकेला जा रहा है पीछे। और एक रिसर्च के मुताबिक ये भी मालूम चला है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस देने वाले बिहार है ना, और बिहार से ही बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स निकले हुए हैं, जो कि मतलब पॉलिटिक्स में अपने आगे बढ़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि सर कि बिहार ही सबसे ज़्यादा गड्ढा में ढकेला जा रहा है, सबसे पीछे रह गया, सबसे ज़्यादा। एक वक्त था कि बिहार कभी देश का हार हुआ करता था और वही हार आज हार में बदल गया है। तो तमाम युवाओं को ये सोचना है, मैं नहीं कहता कि आप जन सुराज को समर्थन करो, मैं नहीं कहता कि आप आरजेडी को समर्थन करो, आप वैसी को समर्थन करो, आप बीजेपी को समर्थन, आई डोंट नो मैटर सर, कौन बेस्ट है, आप सभी लोग एक मिलकर एक अच्छे टीम को, किसके शासनकाल में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखना है। कौन हमारे लिए काम कर रहा है, अगर बेरोजगार के क्षेत्र में, जो कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में सर कोई भी हो, जो कौन जो नेता सामने चल रहा है उसको हम सपोर्ट करेंगे। जेडीयू बोले कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, तेजस्वी यादव बोले मैं 19 लाख नौकरी दूंगा, पहलगा बस सिलाई। और मुझे लगता है सर कि बिहार में जितना बेरोजगारी है ना, उतना पूरे देश में कहीं नहीं होगा। बिहार और यूपी को लेकर के जितना बेरोजगारी है, उतना पूरा देश में कहीं नहीं होगा, नहीं नहीं है। तो इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, और आज अगर जन सुराज आकर के बातें कर रही है तो लोगों में खलबली मच रही है, कहीं वोट कटवा ना बन जाए। खलबली मच रही है, मच रही है, लेकिन ठीक है, इस खलबली अगर धुआं उठ रहा है तो यकीनन आग लगी है, और आग लगाना ही मकसद है, जगाना ही मकसद है ना। इस खलबली को आप लोग समझ रहे हैं, भली बात, बिल्कुल समझ रहे हैं, एकदम सपोर्ट में हैं हम लोग सब, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो आप जैसे युवा क्या चाहते हैं? हम जैसे युवा ये चाहते हैं सर कि सबसे पहले बेरोजगारी दूर किया जाए, सबसे बड़ी बात है, और शिक्षा जो प्रणाली गड़बड़ा गई है उसको सही किया जाए। आप देखते हैं ये पहले न्यूज फैल गया था पूरे देश में कि अगर बिहार में कोई टॉप किया है तो पक्का कहीं ना कहीं चोरी करके वो लिखा होगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो बिहारवासी हैं? लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग एक अच्छे संगठन को सपोर्ट कीजिए। अगर जन सुराज अगर अच्छा है तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब जन सुराज के पहले विचारों को समझिए। हाँ, पहले इनके विचारों को समझिए, अगर ये अच्छा है तो फिर आइए। मेरा मत है भाई, मैं जिसको मन उसको मैं दूँ, आपका मन जिसको आप दीजिए, लेकिन हाँ वोट सही जगह पर जानी चाहिए।